झारखंड के धनबाद जिले में बसा एक शहर गोमो, जिसका नाम या जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। लेकिन आपको बता दें कि महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इस शहर से गहरा नाता जुड़ा है। इस शहर का नाम आजाद हिंद फौज के संस्थापक की ऐतिहासिक यात्रा से जुड़ा है। ये वही शहर है जहां नेताजी आखिरी बार देखे गए थे और इसके बाद फिर कभी उनको किसी ने नहीं देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ ज्योति चौरसिया। दरअसल पहाड़ों से घिरा झारखंड का गोमो शहर और गोमो जंक्शन अपने आप में एक इतिहास समेटे है। इस शहर के रोम रोम में नेताजी बसे हैं। यही वजह है कि यहाँ के रेलवे जंक्शन का नाम उनके नाम पर रख दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन। अब आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गोमो कनेक्शन समझाते हैं। आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष छेड़ने के अपने इरादे को अंजाम तक पहुंचाने और आजाद हिंद फौज को कायम करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब देश छोड़ा था, तब उन्होंने आखिरी घंटे झारखंड के गोमो में गुजारे थे। 18 जनवरी 1941 जब कोलकाता के एल्गिन रोड स्थित अपने आवास में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा नजरबंद किए गए नेताजी पुलिस को चकमा देकर भाग निकले थे और भागकर गोमो पहुंचे थे। गोमो के लोको बाजार में रहने वाले अपने वकील मित्र शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मदद से भेष बदलकर और अपने भतीजे डॉक्टर शिशिर बोस के साथ अपनी बेबी ऑस्टिन कार से गोमो रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने गोमो रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 3 से कालका मेल पकड़कर पेशावर के लिए रवाना हुए। यह यात्रा नेताजी की अंतिम यात्रा मानी जाती है। इस यात्रा के बाद से कभी भी नेताजी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। उनके जिंदगी का शेष भाग कब, कहां और कैसे गुजरा, इस बात को लेकर तरह तरह की चर्चा आज तक बनी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि 27 जनवरी को सुभाष के गायब होने की खबर सबसे पहले आनंद बाजार पत्रिका और हिंदुस्तान हेरल्ड में छपी। इसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। नेताजी की पूरी जिंदगी तो एक्शन, रोमांच और रहस्य से भरी रही, लेकिन उनकी मृत्यु भी किसी रहस्य से कम नहीं है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में हुई, लेकिन उनके निधन के इतने सालों बाद भी आज तक ये पता न चल सका कि आखिर उनकी मौत की असल वजह क्या है और उनकी मौत असल में कैसे हुई थी। उनकी मृत्यु पर जो जांच हुई वह भी कुछ सही रिजल्ट ना दे सकी। बहरहाल, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।